तो इस तरह आपको मुंह में गमछा होना चाहिए और सर में भी, ठीक है, सर पे इस तरह गमछा लपट के मुंह में इस तरह लपटने से आपका धूल नाक में घुसेगा नहीं, ठीक है। आंखों की सेफ्टी के लिए आपको इस तरह का ग्लास आप इस्तेमाल कर सकते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं पंकज, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल शार्प में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो रूम प्लास्टर हो चुका है उस रूम को, उस घर को कैसे हम अंडर वायरिंग करेंगे, कैसे दीवार काटेंगे, ठीक है, उसको कैसे अंडर वायरिंग करेंगे, उसके ऊपर ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हमारा जो प्लास्टर होने के बाद अगर आप अंडर वायरिंग करना चाहते हो तो आपको इसी तरह आपको करना पड़ेगा, ठीक है। प्लास्टर होने से पहले जैसे हम दीवार को काटते हैं, उसी तरह प्लास्टर होने के बाद भी दीवार को हम काट के इस तरह काट के अंडर वायरिंग करेंगे, ठीक है। दीवार के अंदर पाइप लगाएंगे और बोर्ड भी बिठाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग सेम है, ठीक है। अगर आपका घर प्लास्टर हो चुका है, आप वायरिंग नहीं किए है, अंडर वायरिंग नहीं किए है, तो आप इसी तरह सेम प्रोसेसिंग है, आप इसी तरह दीवार को काट के उसके अंदर पाइप बोर्ड बिठा सकते हो, ठीक है। तो आपको दिखा दूंगा एक घर जो कि प्लास्टर होने के बाद वायरिंग किया गया है, अंडर वायरिंग किया गया है, कैसे कटिंग किया गया है, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। तो आप उसी तरह आप अपने घर काम कर सकते हो आसान से। देखिए दोस्तों, ये घर प्लास्टर हो चुका है, अब हम इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। वॉल कट के उसके अंदर पाइप बोर्ड बैठाएंगे और उसको वायरिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह हर घर का जो दीवार है प्लास्टर हो चुका है। देखिए ये कैसे प्लास्टर होने के बाद खोद के पाइप बिठाया जाता है, कैसे बिठाया गया है आप देख सकते हो। ये हम कट के इस तरह वायरिंग कर रहे हैं प्लास्टर होने के बाद, ठीक है। आपको भी इस तरह काट के पाइप बोर्ड बिठाना है, इस तरह काट के खोलना है और उसके बाद उसमें पाइप बोर्ड बिठाना है। आपको जहाँ जिस पॉइंट रखना है आप रख सकते हो। प्रोसेसिंग सेम है, प्लास्टर के पहले जैसे दीवार को काट के बोर्ड पाइप बिठाया जाता है, उसी तरह प्लास्टर होने के बाद भी आपको इसी तरह कटिंग करना है और बोर्ड बिठाना है।